एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट गुड कैलकुलेट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन राइट सो इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी फर्स्ट नाउ विल ड्रॉ द इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड आर इक्वल ए बी एंड सी ऑल साइड आर इक्वल मींस गिवन दैट In triangle ABC, AB equal to BC equal to CA means all sides are equal. Then and BD equal to and D is the point on side BC. BD equal to 1 upon 3 of BC. Okay, so 1/3 BD, matlab this is. So, 1/3 part is 1, 2 and 3, 3 parts are 1, 2, so 1/3 part is this part, this is D, BD, so BD equal to 1/3 of BC, right, then, so prove that, to prove, humko kya proof karna hai, to prove means that this is 980 square equal to 7 AB square. यह हम प्रूफ कर रहे हैं. So construction by construction. अब construction में हमने क्या किया? AE यहाँ से AE perpendicular to AE perpendicular to BC. AE perpendicular to B and C, right? AE perpendicular to BC, right? And ये तो construction हो गया ना? And join A to B, ये तो अपने पहले कर ही दिया था. And join A to B, okay? Then proof. अब हम proof. क्या लाना है हमको लाना है कि 980 स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर होना चाहिए है ना तो हमने ए ई बी लेते हुए हम यहाँ पे देखे तो हमने ए ई बी राइट एंड सेकेंड लेते हैं ए ई सी इस साइड राइट तो लिख दीजिए इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए ई सी में देखो ए ई इक्वल टू ए ई इक्वल टू ए दैट इज कॉमन साइड राइट ए ई इस साइड ही और इस साइड एंड ए बी इक्वल टू ए सी ए बी इक्वल टू ए सी गिवन बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड हाइपोटेन्यूज हो गया ए वन साइड का और द राइट एंगल ए ई बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए ई सी ईच 90 सो बाय एसएस सॉरी आरएचएस ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए टी सी अब हमने देखा कि दोनों को हमने क्या कर दिया है कॉन्ग्रुएंट कर दिया राइट कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्लियर है ना और हमारे पास क्या लिखा है अब जब ये साइड भी इक्वल होगी अब हमने देखा कि बी डी इक्वल अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है और हमको मालूम है कि बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी एक चीज ये दी है आपको क्वेश्चन ये दिए एंड बी सी इक्वल टू अब बी सी देखो बी सी के अंदर कितने पार्ट है 1 and 2 तो 2/3 ऑफ बी सी हो गया तो लिख दीजिए एंड 2/3 ऑफ ठीक है ना बी सी 2/3 ऑफ बी सी 2/3 देखो 1 part 2 part 3 part तो डी सी के अंदर कितने पार्ट है डी सी के अंदर
डीसी की वैल्यू क्या है, 2/3, मतलब दो पार्ट है इसके अंदर, टोटल कितने 3 पार्ट है ना। तो ये हो गया अपना, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। देखो एंड अब अपने पास क्या बचा, अब तो अपने पास कुछ है ही नहीं, बाकी तो सब दिया हुआ है। एंड अपन एक और चीज लिख सकते हैं बी इक्वल टू ई सी, क्योंकि ये टू इक्वल पार्ट्स में बोले हैं हमारे से, किसी बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी इक्वल टू ई सी हाफ ऑफ बी सी, भाई बी सी के हाफ के इक्वल होगा। देखो दिख रहे क्लियर, ओके। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है कि यहाँ पे देखो एंगल सी ये सारे 60 डिग्री के इक्वल है, तो हमारा क्या इक्वल इंटरवल, और इसमें हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो नाउ ए डी सी, ए डी सी, सो नाउ ट्रायंगल ए डी सी मतलब ए ये डी सी में, मतलब एक एंगल राइट एंगल है इस साइड, राइट एंगल 60-90 डिग्री, और ये एंगल बना हुआ। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए डी स्क्वायर, मतलब इसको फॉर्मूले को दो राइट एंगल, एक ये ए डी स्क्वायर इससे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सॉल्व करके निकाल सकते हैं, और एक इससे हमने निकाला, तो इससे हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, हमने निकाला ए डी स्क्वायर इक्वल ए डी, ये हाइपोटेन्यूज इसका ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी, अब देखो ए सी स्क्वायर इसका हाइपोटेन्यूज प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2DC इंटू ई सी, ये फॉर्मूला है ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2DC इंटू ई सी। बस इसमें हम फॉर्मूला हम वैल्यू रखें, तो देखो ए डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, अब ए सी हमारा देखो यहाँ पे कहीं कुछ दिख रहा है क्या, ए सी किसके इक्वल है, देखो आपको दिख रहा है, दिख रहा है, तो अपने ए सी का कोई वैल्यू है नहीं इसे, तो अपने ए सी लिख दिया स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब बी सी देखो किसके इक्वल है, 2/3 ऑफ बी सी इसका हो सकता माइनस 2 इंटू डी सी, डी सी इक्वल क्या दिया 2/3 BC इंटू ई सी, अब ई और सी कितना, ई सी कितना है, देखो आप ध्यान से देखो फिगर में ई सी कितना है, ई सी तो ई सी है हाफ ऑफ बी सी, ये देखो दो पार्ट में बी सी राइट। अब देखो इसको हमने सॉल्व किया, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, अब देखो ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर ये तो सारी साइड इक्वल है, ए सी को हमने काइंड चेंज कर दिया ए बी में, हमको तो ए बी में ही आंसर मारना है ना सर, एंड बी सी को भी अब टू का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और ए बी इक्वल टू बी सी, तो बी सी इक्वल टू किसके ए बी के लिए ए बी स्क्वायर हो गया माइनस 2 से 2 कट हो गया 2/3 बी सी बी सी, मतलब बी सी बराबर ए बी, ए बी स्क्वायर हो गया ए बी इंटू ए बी राइट माइनस, आप देखो इसको आपको समझ में आ रहा है। अब हमने इसको क्या करें सॉल्व, नाउ इज 9 AD² 1 9 9 AD² 9 9 4 AD² 3 3 9 and 3 2 6 AD², तो ये कितना हो गया 30 30 - 6 क्या, तो 7 है ना, तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं AD² = 30 - 6 = 7 AB² / 9 सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 9 AB² = 7 AD², ये हमारा आंसर है, यही हम प्रूफ करते हैं 9 AD² = 7 AD², क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, ओके।